अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आप हमारे गेस्ट से तो मिल चुके हैं um, आज मैंने सोचा तो डिफरेंट करते हैं जो मैं पिछली बार भी इंटरव्यू में बोल रही थी कि मैं कोई नया तरीका ढूंढ रही हूँ इंट्रोडक्शन का मुझे मिल नहीं रहा तो मैंने आज सोचा कि ये बॉल जो है ना हम गेस्ट uh, की कोर्ट में डाल दें और आज हमारे साथ हैं जैन बेग सो आपका नाम तो लिखा हुआ था मिर्जा जैन बेग राइट तो शुड आई कॉल यू मिर्जा और शुड आई कॉल यू जैन या क्या हाँ, है मुझे पसंद है अपना पूरा नाम मैं हर जगह पर पूरा नाम लिखना पसंद करता हूँ अपना लेकिन वो लोगों को शायद याद इतना ना रहे या

कितने बहन भाई हैं और इधर एंट्री कैसे हो गई आपकी मॉडलिंग की तरफ ख्याल कैसे आया आई नो यू स्टार्टेड एज अ मॉडल राइट एज अ मॉडल या पढ़ा तो मैंने कराची से ये टोटली क्योंकि आई एम बॉन्ड कराची उस सेंट जूड्स में पढ़ता था मैं hmm. स्कूल था हमारा कॉन्वेंट उसके बाद फिर कॉलेज पढ़ा अच्छा मुझे पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं है okay. लेकिन स्कूल तक स्कूल के बाद मैं कॉलेज में मैंने कुछ पढ़ना शुरू किया फिर उसके बाद फिर बस चार्ट अकाउंट से की जो कि थोड़ा सा जाके मैंने दो तीन साल लंडन में लगाए तो, तो आप कम्प्लीट कर हाँ, दो पार्टी किए थे इसके मैंने किया था, इसके तीन पार्ट होते हैं दो पार्ट्स मैंने इंग्लैंड में किए थे लंडन में और उसके बाद फिर लास्ट पार्ट में वापस आके मैंने किया था पाकिस्तान में कराची में तो मॉडलिंग का मॉडलिंग का ख्याल वो जब मैं मेट्रिक मैंने किया था पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते थे और कहते थे आ जाओ जी शो कर लो आ जाओ मैगजीन में तस्वीरें खिंचवा लो okay. उस वक्त समझ में नहीं आता था मुझे मैंने मम्मी से जिक्र किया अपने मैंने कहा यार बोआ था मम्मी दो तीन हफ्ते पहले फिर आज कोई आ गया फिर कुछ अरसे बाद फिर मैं ग्रॉसरी करता था मैं क्योंकि डैड डैडी मेरे यूनिवर्स में काम करते थे तो वो उनकी शिफ्टिंग होती रहती थी तो वो खानेवाल में थे उस टी फैक्ट्री में तो यहाँ पे मैं अकेले ही होता था मैं ग्रॉसरी करता था तो वहाँ पे ग्रॉसरी में कर रहा था तो वो पकड़ लिया एक साहब ने फिर मैंने मम्मी को बताया उन्होंने कार्ड दे दिया अपना अच्छा वो रफ़ा दफ़ा हो गया ना मम्मी हमेशा मुझे कहती थी क्यों नहीं करते जाओ करो क्यों अच्छा। नहीं करते जाओ करो तुमने क्यों मना किया तुमने नंबर तो दिया नहीं होगा अपना मैंने कहा हाँ मैं हमेशा अपना आखिरी नंबर गलत बता देता हूँ मतलब जो लास्ट डिजिट होता है वो हमेशा मैं गलत बताता हूँ कह लेंगे अच्छा तो अच्छा वो इतफाक़ ऐसा हुआ कि हम फिर एक दावत में गए जो कि खलीम की दावत होती है मुहर्रम में बड़ी दावत होती है तो उसके अंदर एक साहब आए हुए थे जो कि मुझे कहीं और मिले थे तो मैं उनको वही गलत डिजट बता के आगे निकल गया था अब वो उन्होंने मुझे कार्ड दिया उन्होंने अपनी एजेंसी बुलाया और मम्मी भी थी वहाँ पर पूरी फैमिली थी तो वहाँ से बस फिर मम्मी ने कहा नहीं जान जाओ जाओ क्यों नहीं तुम जाके विजिट तो करो मिलो तो जाके कोई हर्ज नहीं है ठीक है जी मैंने कहा चलो चला जाता जा, हूँ जा, जा, अब वो वहाँ पे मैं गया हूँ तो उन्हीं के एक हफ्ते बाद ही एक शो हो रहा था भैरिया यूनिवर्सिटी का भैरिया का शो था तो उसमें ही कॉल्ड मी उन्होंने मुझे बुलाया अच्छा उसके साथ साथ मेरा इंटर के फर्स्ट ईयर के पेपर्स थे अच्छा हमेशा पहला पेपर इंग्लिश का होता था तो मेरा <laughs> इंग्लिश का पेपर था आ, दो दिन बाद ही तो मैंने उनको मना कर दिया मैंने कहा नहीं कर पाऊंगा मेरा इंग्लिश का पेपर है तो खैर मम्मी ने कहा नहीं तुम क्यों नहीं तुम जाओ तो थोड़ी देर की तो बात होगी चला नहीं होगी मैंने कहा अच्छा पता करता हूँ मैंने उनको फोन किया उन्होंने कहा कि हाँ यार पूरा दिन लग जाएगा फला मैंने कहा देखे जी मेरे पास आठ से दस का टाइम है इसके बीच में आपने कुछ करना है तो कर लें okay. तो उन्होंने कहा हाँ हाँ नो प्रॉब्लम आ जाओ मैं वहाँ सात बजे पहुंच गया ग्यारह बजे वापस घर आ गया, 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 गया करके अच्छा वो शो हुआ फैशन शो ओके बस वहाँ से और दूसरे फिर कनेक्शन और ये सब चीज़ें होती रही फिर मुझे मजा आने लगा क्योंकि मैं पहले ट्यूशंस पढ़ाता था मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था, था तो उसमें होता ये था कि ट्यूशन में उस वक्त इतने पैसे नहीं थे और ज़रूरिया तो पैसों के साथ बढ़ती रहती हैं आपको पता है अच्छा फैशन मैन जब इसमें आया तो उसमें अच्छे मुझे पैसे मिल रहे मैंने कहा यार ये तो अच्छी चीज़ है मतलब ये तो नॉट बैड तो बस पैसों के लिए मैंने स्टार्ट की और फिर बड़ा मजा आने लगा फैशन इज फैशन हमारा फैशन था तो लोग भी रिकॉग्नाइज करना शुरू हो गए लोग रिकॉग्नाइज करना शुरू हो गए उसमें और मजा आने लगा हुँ। हुँ। तो पहले चार लड़कियों की कॉल्स आती होंगी फिर 15 की आना शुरू हो गई हां बस अब नंबर्स में ना पता नहीं कहां से लोगों के पास चले जाते हैं लेकिन <laughs> नहीं आता ऐसा कुछ नहीं होता है पसंद करते हैं और लोग लंदन में थे तब आपने कोई मॉडलिंग का नहीं कुछ जी मैंने तब भी कर रहा जी मैंने मॉडलिंग उस वक्त भी क्योंकि वो बस इतफाक ऐसा हुआ कि मैं वहाँ नहीं कर सका वहाँ भी मुझे क्योंकि ऑफर्स थी बट मुझे वापस आना पड़ गया लेकिन हुआ ये कि बीच में कुछ मेरे गैप्स होते थे तो यहाँ पे कभी फ़ैशन वीक हो रहा है कुछ हो रहा है तो वो मुझे यहाँ पे बुला लेते थे, थे तो उसके वहाँ से आके फिर मैंने यहाँ पे उसमें होता ये था उसमें सच सच बताऊँ तो मुझे कोई मॉडलिंग का चाम नहीं था okay. वापस आने का होता था ah, okay. कि यार yeah, yeah. बाबा एक हफ्ता जो है ना वो पाकिस्तान आ जाए घर वालों से मिल रहे वक्त गुजार लें क्योंकि फैशन वीक में तो आपने दो दिन लगाने हैं उसके बाद तीन चार दिन आपको अपने मिल जाते थे और फिर वापस तो एक

कर ही रहा था फिर उसके बाद फिर मुझे कुछ लोग थे इंडस्ट्री के ही तो कहते थे करो एक्टिंग करो एक्टिंग करो क्योंकि वो मॉडलिंग की वजह से लोग जानते थे अब वो कहते ही इसलिए नहीं थे कि मेरा लंबा वगैरह तो मैं बड़ा कोई इतना कोई तुरम खान नहीं था लेकिन वो मेरी आवाज़ की वजह से कहते थे अच्छा मुझे क्लियरली बोलते थे तो तुम्हारी आवाज़ अच्छी है तो तुम्हें एक्टिंग में आना चाहिए अच्छा मैं इग्नोर करता था क्योंकि मैंने कभी मैं तो उसमें से हूँ जो कभी शीशे में खड़े होकर भी मैंने एक्टिंग करने की कोशिश नहीं की करते हैं शाहरुख खान yeah. है, हैं हैं <laughs> करते ऐसा कुछ नहीं था बट uh, फिर मुझे नदीम हैं जो उन्होंने वो एक दिल लगी कर रहे थे तो दिल लगी के लिए उसमें बाल थे वो तो उनको कैरेक्टर उन्होंने बड़ा भी नहीं है छोटा सा रोल था मुझे वो, तो क्या चीज दिमाग में क्लिक की देखता हूँ बस मुझे मैम मुझे बस नदीम नदीम साहब के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल मैंने फील किया हालांकि ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत करना चाह रहा था लेकिन पहले उन्होंने मुझे एक और उसी में एक और रोल ऑफ़र किया था बट मेरी और उनकी खुद ही डिस्कशन हुई मैंने कहा ये देखें जी मुझे आती नहीं एक्टिंग मैंने कभी कोशिश भी नहीं की नहीं। तो ये करना मेरा नहीं ख्याल कि इतना अच्छा रहेगा तो उन्होंने फिर मुझे दूसरा रोल ऑफर किया तो वो मैंने कहा चलो वो मैंने पढ़ा मैंने कहा ये तो आसान सा है अच्छा इसको ये तो मैं कर लूंगा इसको करते हाँ, वो, भी इसको कर गया। गया। <laughs> वो भी मैंने बुरा किया वो भी मैंने बुरा किया लेकिन ठीक था मजा आया मुझे मजा आने लगा फिर उसके बाद फिर दूसरी दूसरे दूसर चैनल से चीजों से ऑफर्स आए तो फिर यू नो मजा आने लगा एक्चुअली एक्टिंग इज माय प्लान सी प्लान ए तो मुझे या तो क्रिकेटर बनना था या फौज में जाना था। oh, wow, okay. <laughs> <So, laughs> बिल्कुल ही अच्छा, ना, opposite, ना अच्छा तो मैं पीछे हो गया अब मैंने फिर मैंने गया मुझे ऐसा लगा कि उस वक्त मैं किसी को जान जान पहचान बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि चलती हैं सॉरी मगर ऐसा सच है

फीलिंग्स डर बहुत, बहुत डरा हुआ था बहुत डरा हुआ था मुझे हाँ। नदीम बेग साहब जो है वो कहते थे नदीम भाई कहते थे कि यार तुम जो है वो तुम बहुत लाइनों में बहुत फंसे हुए हो हमें लाइनों में बहुत फंसा हुआ होता था कि लाइंस यार ये मैं गलत ना कह दूं ये मैं फलाना उनको था कि तुम्हें लाइन लाइन्स याद होती हैं बस तुम जो है ना उसको बस बोलो नेचुरली बोलो हालांकि मैं नेचुरली बोलना बहुत आसान बात करते थे वो लेकिन जब यू फेसिंग द कैमरा लाइट्स सामने मंजे हुआ आर्टिस्ट आई नो तो, हाँ, और सबा हाँ, 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 समा हाँ, सब तो पे ना पहला सीन ही उनके साथ उनके था उनके साथ हां हां पहला सीन ही मैंने जिंदगी का सबा हमीद के साथ किया सबा आपा के साथ किया तो आ, सब बहुत कोऑपरेटिव थे सब बहुत आ, शुर, आ, शुर, समझा रहे थे सब बता रहे थे तो मुश्किल था बहुत ऐसा लगता था जैसे बस काँप रहा होता था मतलब मतलब जबान भी ऐसी थी अच्छा पहला सीन भी मेरा बड़ा नर्वस था तो मैं मैं जो ऑलरेडी जो नर्वस था अपने काम करने के लिए तो वो मुझे हेल्प किया In the scene. In the scene, because हाँ, <laughs> तो तो शुक्र है। है है? कि चीजें। अब आप सब... देखते हैं उसको और इसको। हाँ, तो क्या में आ, क्या में में आता कैसा है? अच्छी थी अच्छी रही अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज्जत दी लोगों ने इज्जत दी आ, मगर जहाँ से मैं, मैं, मैं अपना पहला काम देखता हूँ तो वो मुझे बहुत बुरा लगता है क्यों था प्रिपेयर क्यों नहीं था इतना ज़्यादा मगर वो फिर मुझे ये होता है यार कभी सोचा नहीं था yeah. कभी प्लान नहीं था ऐसा तो लेकिन वो वो मुझे तौर पे वो बुरा काम लगता है लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत बेहतर बेहतरी आई है तो अल्लाह का yeah. शुक्र है बस I'm, 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 I'm happy. कब आपने सोचा कि अच्छा आई एम गोइंग टू फॉलो ना फॉलो दिस करियर नाउ ये अब ये प्लान सी जो है अब मेरा प्लान ए प्लस हो गया है ये कब आया दिमाग में कौन से कैरेक्टर या कौन से ड्रामे के बाद ये डिसीजन लिया अभी भी नहीं सोचा अभी भी नहीं सोचा लेकिन टाइम इतनी जल्दी निकल रहा है और मैं इतना बिजी रहता हूँ अब यही शूट्स में कि नहीं मौका मिलता ये ये सोचने का भी क्योंकि अब खुद ब खुद ही ये काम फुल टाइम हो गया चीज़ें होती रही होती रहीं रही और मैं बिल्कुल कभी अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कभी बैठा नहीं, नहीं। जब मैं सोचता हूँ कि यार मुझे ऐसा काम कर रहा है या मुझे ऐसा रोल चाहिए तो पता नहीं अल्लाह की तरफ से कुछ है जो वो मेरे साथ है मेरे सर पे हाथ है तो वो मुझे कहीं ना कहीं करीब करीब कुछ वैसा मुझे मिलता है Okay. तो उसके साथ में हमेशा जुड़ा रहा okay. तो अल्लाह का शुक्र है आप लोग कितने बहन हैं? चार एंड uh, मैं थर्ड um, hmm. मेरी दो बड़ी बहन हैं जो ट्विंस हैं एक मॉन्ट्रियल में होती हैं और एक नहीं होती हैं पाकिस्तान में कराची में और एक मुझसे छोटी है

मैं हाँ। थी मैंने बोला कहा <laughs> जी आपने बोला बिल्कुल ये तो है आई एम सो सरप्राइज आई एम हैप्पी दैट कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया बिकॉज़ यूजुअली फैमिलीज नहीं करती हैं शी एक्चुअली पुश्ड यू और अब्बा का क्या रिएक्शन होता है डैडी का हमेशा से बस एक जुमला होता था कहते थे, थे कुछ भी करो जिंदगी में कभी तालीम नहीं अधूरी छोड़ना okay. तालीम जो करो वो वो पूरी करना तो, वो, वो तो उनको नहीं? वो रहता उनको कहते है बस कर रहे हैं ना 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 खुश है है ठीक ओके क्या कहती जब ड्रामे देखती कौन सा उनका फेवरेट वो सब देख रही होती है लेकिन क्योंकि माए ऐसी होती है की वो बुरे काम को भी कहती है बहुत अच्छा है वो अच्छे ड्रामे को भी कहती है वो बुरे ड्रामे को भी कहती है बहुत अच्छा है तो बस मैं उनकी यही सुन के खुश हो जाता हूँ की यार चलो देख रही है

Uh, असल में मैंने कमाना शुरू किया जब तो उस समय काफी छोटा था मैं ट्यूशन पढ़ाता था तो मेरी जो पहली ट्यूशन की फीस आई थी वो मैंने मम्मी को पूरी पूरी दी दे दे तो कुछ खरीद के नहीं दे सका नहीं। नहीं। लेकिन बस वो मैंने उनको वापस पूरी दे दी थी उन्होंने नहीं।, नहीं ले रही थी पर रख ली पर उन्होंने मुझे दो तीन दिन बाद वापस कर दी उन्होंने जब आप किसी लड़की से मिलते हैं सबसे पहले क्या चीज नोट करते हैं बाल शक्ल आँखें क्या कपड़े पहने में क्या चीज़ नोट करते हैं? बड़ा मुश्किल सवाल है। कैसे कर रही है, को, okay. Okay. कंपोज है, क्या hmm. है तो उस हिसाब से वैसे uh, मैं थोड़ा दूर दूर ही रहा हूँ hmm. uh, लेकिन uh, इतना नोटिस करने का टाइम नहीं मिलता आजकल बहुत जमाना क्विक हुआ है hmm. लड़कियां भी यू करके यूँ जा रही होती है You know, क्यों अब पचास कॉल्स नहीं हुई अभी तक 50 yeah. <laughs> पहले तो 15 होती होगी ब्लॉक लिस्ट लंबी हो गई है <laughs> देखा निकला ना यहाँ से सच वट इम्प्रेस यू इन अमन मुझे मुझे यही लगता है कि वो अपने आप को एजुकेशन मुझे बहुत ज़्यादा uh, मुझे तरजीह होती है कि पढ़ा uh, बड़ी कितना बड़ी लिखी है मतलब हैं। ऐसे ही क्योंकि आजकल तो कोई भी कैसे भी बस यू नो सबने यूट्यूब पे तैयार होना तो सीख लिया तो मुझे वो इतना मैटर नहीं करता बजाय इसके कि मुझे ये मैटर करता है कि बोल कैसे रही हैं उनकी उठना बैठना बात करना वो ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लगता है बजाय इसके okay. कि मैं ये देखूँ कि यार बाल ऐसे हैं तो नाक वैसे हम बड़ी कॉन्शियस कॉम हैं बहुत कॉम्प्लेक्स बहुत कौम है, बहुत है। बहुत लंबा कद गोरा रंग नाक टेढ़ी ना। है या सीधी है बाल

बड़े अच्छे जो लोग काम देने वाले हैं उनकी शायद उन पर नज़र नहीं पड़ती okay. इनकी वजह से वो मारे जाते हैं बट हाँ hmm. करता है अच्छा ये बताएं अगर जैन ने आ, अपनी फ्य से मंगेतर या किसी या वाइफ या किसी को भी डेट पे लेके जाना तो व्हाट्स योर आइडियल डेट नेटफ्लिक्स विद फूड एट होम कोई थीम uh, पार्क या लॉन्ग ड्राइव या व्हाट्स व्हाट्स आइडियल डेट इन योर माइंड आई एम मैरिड बाय द वे ओके तो हम हमारा ये होता है कि मुझे जो पसंद है वो यही यह है कि हम लॉन्ग ड्राइव पर जाएँ हाँ। उसके बाद फिर हम, किसी भी अच्छी जगह पर डिनर करें हाँ। रेस्टोरेंट जो भी होगा वो उनकी चॉइस ज़्यादा मैटर करती है उसमें हाँ। और बाकी आइसक्रीम और ये सब चीज़ें खाते हुए पूरा रात गुजारते हुए हम फिर <laughs> तो आप टाइम देते हैं उनको मिल जाता है इतनी बिजी स्के में या उनको तो कम्प्लेन्स रहती हैं आप uh, रहती हैं क्योंकि okay. नहीं टाइम दे पाते हैं yeah. काम हमारा जो है वो काफ़ी लेंदी है लंबा yeah. टाइम लगता है दस ग्यारह बारह तो बच जाते हैं मुझे उसके बाद फिर आके वर्कआउट करना है और सब oh. चीज़ें होती okay. हैं कि मुझे मेरा रूटीन है मेरी आदत भी कह yeah. है रहे हैं तो वो उसके बाद फिर जितना टाइम होता है उनका होता है बचता थोड़ा सा ही है तो शिकायत तो रहेगी कैसे मुलाकात लव मैरिज है 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 अरेंज 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 मैरिज मैरिज तो वो बस भाई आप तो बहुत ही शरीफ इंसान निकल रहे हैं <laughs> मतलब मैं आपको कोई वायरल मुझे इतना पता भी नहीं, नहीं, नहीं। <laughs> <laughs> कि तो है की यार क्या ठीक है क्या गलत है हम गपशप ही कर रहे हैं तो तो वो उसमें बस फैमिलीज़ जो हैं वो मिली थी आपस में तो उसके बाद मुझे पसंद आई थी उन्होंने शायद मुझे शायद मुझे पसंद किया होगा वो फिर

जब अच्छा मेरे साथ शायद प्रॉब्लम है सबके साथ नहीं जब मैं कोई कैरेक्टर कर रहा होता हूँ तो उसका असर मेरी मेरे ऊपर भी आता है जैसे मैं जब मलाले यार कर रहा आ, था मैं तो, यही पूछने वाली थी अच्छा तो वहाँ वो वही पोर्शन जो था वो थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए वो मैं बहुत हावी कर लेता हूँ अपने ऊपर अब जैसे मेरा बारिश में कर रहा था फैजी कर रहा था तो मैं चुप चुप रहने लग गया था बिल्कुल ही बैठा हुआ नीचे झुका के अब वो मैं चीज़ें सोच रहा हूँ कैरेक्टर के बारे में या कुछ भी तो बहुत ज़्यादा मुझे ये हालाँकि मुझे लगता है कि बुरी बात है ऐसा नहीं होना चाहिए अपनी अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए तो मलाले और जब मैं कह रहा था तो उसमें मैं बहुत एग्रेसिव था उस आ, ड्रामा में तो मुझे जल्दी गु़स्सा आ जाता था तो ये मैंने मलाले यार में ही अपने ये ये जो गलत ट्रेट है मेरी <laughs> पर्सनालिटी का वो मैंने उसी में डिस्कवर किया कि यार जब मैं मलाले यार कर रहा करूँ तो मैं गु़स्से में ज़्यादा आ रहा हूँ और वो उसमें हमारी मुझे मुझे लगा कि मैंने मैं मैं डांट देता था मैं अग्रेसिव थोड़ा सा ज़्यादा रहता था

इतना कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं इतना पब्लिक में मैं मैं जाता ही नहीं हूँ हाँ कभी आ, वाइफ को शॉपिंग कराने जाता हूँ तो मॉल्स में ऐसा होता है कि लोग कुछ ना कुछ पहचान लेते हैं लेकिन होता ही है कि मैंने ये मोटे चश्मे लगाए होते हैं कैप पहन लेता हूँ तो लोग मैं डिस्गाइज कर लेता हैं हाँ तो वो, वो उस तरह से रहता है और बाकी सोशल मीडिया भी जो है वो मेरा इतना एक्टिव रहता नहीं है तो आ, कभी कभी चीज़ें कर लेता हूँ तो आ, सही रहता है अब कभी कभी बस ऐसा उस वक्त महसूस होता है जब कोई रश लग जाता है लोगों का तो वो आमतौर पर लोग बेचारे मासूम हैं हमारे यहाँ है। सेल्फी लेते हैं बात ही करना चाहते हैं अब जैसे परसों ही रात में एक साहब हम शूट कर रहे थे तो वहाँ पे बिल्कुल मैं जिस गाड़ी में बैठा हुआ था तो बिल्कुल लोगों ने उसको कवर कर लिया था तो साथ जो भाईजान जो ड्राइव कर रहे थे ड्राइवर थे उन्होंने हल्के से शीशा जब नीचे किया होता तो लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे एक भाई ने आवाज़ मार यार हमसे एक बात कर लो बस एक बात कर लो एक दफा एक बात कर लो मैंने कहा हाँ क्या बात करनी है? कैसे हो आप मैंने मैं ठीक हूँ पहले oh का बहुत शुक्रिया oh, <laughs> कितना मासूम लोग हाँ. हैं हमारे यहाँ ये छोटी छोटी सी बातें होती है बस जाहिर है मैं उनको क्या दे दूंगा उनसे क्या ले लूंगा और लोग फिर नो you know, चाय भिजवाएं खाना ये वो लोग एड्रेस मांग रहे होते हैं कुछ भिजवाने के लिए लेकिन जाहिर एड्रेस तो you can't share. हाँ, नहीं यू कांट शेयर हां नहीं दे सकते नंबर नहीं दे सकते अपना तो प्रॉब्लमेटिक चीज है तो तो मुझे बताएं कभी सेलिब्रिटी होने का फायदा उठाया आपने कहीं हां मैं ना मुझे ना पुलिस से बॉर्डर लगता है तो अब इत्तेफाक ऐसा है

Uh, uh, हाँ. तो uh, किड ले, ले, लेकिन क्योंकि पता नहीं हमारे मम्मी ने मम्मी डेडी दोनों ने क्वालिटी बहुत रखी है चाहे ऐसा नहीं था कि मैं एक लड़का हूँ तो मुझे बहुत लाड में रखा हो तो मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है कि हमारे माँ बाप को इतनी तमीज रही है कि वो तरबियत अच्छी करते तो ऐसा कुछ नहीं था लेकिन हाँ मैं मुझे दोनों क्योंकि मेरी दोनों बड़ी बहनें टूइंस हैं तो वो दोनों की तो टीम है ओके। okay. मैं अकेला अब वो उसमें मुझे उन्होंने काफ़ी सताते थे वो ज़ाहिर है हर चीज़ मैं मेरी एक दफा एक कोई बात थी पता नहीं कुछ मुझसे हो गया अच्छा ये क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ कई सालों तक मेरे साथ चलती रही है तो वो कोई भी बात होती थी ना तो वो सामने से कहती थी वो वाली बात बता देंगे मम्मी को अब इतने साल गुजर गए हमें याद ही नहीं कि कौन सी वाली बात लेकिन तक तक हाँ अभी तक वो वाली बात बता देंगे हाँ। अब वो एक दिन मैंने कहा यार बता दो, कौन सी वाली बात हाँ। <laughs> तो, तो जब मैंने उनके फेशियल एक्सप्रेशन देखे तो उनको भी नहीं याद जान छूटी <laughs> <जान जुड़ी। laughs> तो मैं मुझे उन्होंने तीन चार साल ये बड़ा तंग किया तंग किया इस बात बात बता देंगे कौन सी वाली बात तो खुद भी नहीं जानती लेकिन क्या वो करवाती थी वो पानी ले कर वो हमारा खाना ये कर दो वो कर दो नहीं, ऐसे नहीं, काम? नहीं मैं इतना शरीफ भी नहीं था अच्छा <laughs> नहीं, हाँ। नहीं, मैं इतना शरीफ नहीं था हाँ। नहीं कर देती खुद ही नहीं करवाती थी वो वो भी उन्होंने मेरा ख्याल भी बहुत किया आ, तो किस किस्म का रगड़ा देती थी बहने यूजली बड़े बहन बहन भाई जो होते हैं ना को थोड़ा देते हैं। वो बस ये करती थी कि मुझे मुझसे कोई ज़्यादा चीज़ें बात नहीं करना शेयरिंग करना मुझे मतलब ऐसी जैसेलाइन सौते मिला है उनकी क्योंकि उनकी बड़ी दोस्ती टीमिंग एक क्लास में उन्होंने पढ़ा दोनों ने साथ में ही ग्रो किया चीजें हाँ। सीखी तो ये तो ये आपने छोटी बहन के साथ नहीं टीम अप कर लिया छोटी बहन के साथ फिर हम करते थे हाँ। यही था हाँ। नहीं नहीं टीम अप नहीं किया मैं उसको मैंने तंग अच्छा, किया मैंने उसको तंग किया एग्जैक्टली <laughs> <laughs> exactly, कि तुम भी स्वतेली हो तुम तो हमें हम तो तुम्हें कचरे के ढेर से उठा के लेकर आए थे मम्मी ने बताया था मुझे वो बेचारी रो जाए

क्या मतलब या वही ड्रामे जिसको तो आप सोप कहेंगे यार कि वो जो हफ्ते में चार दफ़ा आते हैं दिल गुमशुदा आपने किया राइट और अभी आप फितरत कर रहे हैं तो क्या वजह है इसकी ये चेंज आपने कॉन्शियसली किया या बस स्क्रिप्ट ही ऐसे आ रहे थे कि आपने ये चूज़ किया हाँ दिल गुमशुदा मैंने जो किया था उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था कि वो पाँच दिन चलेगा लेकिन वहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ दिल गुमशुदा से कि वो जियो वालों ने ये सोचा मेरे खान में उनकी स्ट्रैटेजी मैं समझता हूँ बहुत अच्छी भी थी लोगों लोगों को काफ़ी कनेक्ट रखा आ, क्योंकि पाँच दिन चला तो वो ड्रामा भी बहुत अच्छा गया था लेकिन हाँ आपका फर, पहला सवाल ये था कि क्यों सोप्स किए जा रहे हैं mm -hmm. लाइक लास्ट mm -hmm. टू इयर्स अच्छा सोप्स का या आ, सीरियल्स आ, मुझे मैं इस आ, चीज़ों में कभी पढ़ा नहीं हूँ कि आठ बजे वाला है नौ बजे वाला है सात बजे वाला है लेकिन आ, मुझे लगता है कि कंटेंट क्या है okay. वो मुझसे करवाना क्या चाह रहे हैं मैं क्या कर पाऊँगा बेहतर तो मुझे वो ज़्यादा तरजीह देता हूँ कि वो फीलिंग अगर किसी चीज़ से मुझे आ जाए तो मैं तीन बजे वाला भी दोपहर तो का सोप कर लूँगा okay. अगर मुझे वो कोई ऐसा कोई काम दे दे क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं से रजिस्टर हो जाता है आता है वो काम और मैं वही काम बेहतर कर पाऊंगा जो उसमें मुझे खुद इंटरेस्ट होगा बजाय इसके कि मैं टाइम पर जाऊँ मैं इस पर जाऊँ कि सीरियल है या सोप है तो या प्रोडक्शन हाउस कौन सा है टीवी चैनल कौन सा है ये ठीक है ये मटेरियल चीज़ें हैं ज़्यादातर हमारे यहाँ जो लोग एक्टर्स काम कर रहे हैं वो इस सब चीज़ सब सब बातों को लेके ही एक काम शुरू करते हैं लेकिन मैं बस अपने अपने कैरेक्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ और कंटेंट अगर मुझे लग रहा है पहली दो तीन चार एपिसोड्स पढ़ के अगर मुझे लग रहा है कि पाँचवीं भी, भी पढ़नी चाहिए अगर मुझे लग रहा है कि यार कोई मुझ कोई को, को, मैंने फील पकड़ ली है उससे कि यार इसमें फीलिंग है तो फिर मुझे अच्छा लगेगा वो लेकिन आपको लगता नहीं कि जो आपने पहले कैरेक्टर्स किए थे वो सो पावरफुल एंड ऑल द द स्टोरी लाइंस वो भी बहुत ज़बरदस्त थी hmm. जैसे वही मैंने उसका अब मेरा रब वारिस में भी hmm. दिल क्या करे में भी और उससे पहले भी एक दो और फिर ये भी आपका था अब जो कर रहे हैं आपको लगता है उस कैरेक्टर या स्टोरी लाइन में इतनी जान है थोड़ा सा कि वो आपके मतलब एज़ कम्पेयर टू वॉट यू आर डूइंग बिफोर आपको लगता है ये सॉलिड ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं अभी मैंने लास्ट हाँ था all, all हा, मलाले, तेरा गम और हम जो किया था अभी जो अभी खत्म भी, भी हुआ है हम टीवी से तो उसका उसका ये था बड़ी आ, उसकी स्टोरी लाइन जो दिखाई है कि दो शादियां थी सब कुछ था ऑनेस्टली मुझे अंदाजा नहीं था इस बात का कि वो उसको वैसे ही दिखाएंगे जिस तरह से बहुत कैजुअली होता ही है तो उसमें अच्छे थे लेकिन वो इतने इत, इतना आखिर में ऑनेस्टली से मुझे भी इतना मज़ा नहीं आया नहीं। करने में क्योंकि वो स्टोरी मैंने कुछ और सोचा हुआ था और वो कुछ और चीज़ हुई, हुई। आ, लेकिन वो गलती नहीं कहूँगा अच्छा था मुझे पसंद आया था मुझे अली का कैरेक्टर बहुत पसंद था वो अपना अपनी जगह पे स्ट्रांग था सब कुछ था बट ऐसा हो जाता है ऐसा होता है क्योंकि आप हर जगह हर दफ़ा जो है वो आप सही नहीं होते हैं yeah. आप हर दफ़ा सही नहीं आप गलती करते हैं मैं हमारे उसमें ये गलती नहीं थी इसको मैं गलती भी नहीं कह रहा लेकिन जैसा आप कह रही हैं कि पीछे से चलता आ रहा था आपको yeah. शायद ये पसंद ना आया हो yeah. तो वो उसके अंदर बस ये होता है कि आप क्या लेके जाते हैं प्रोजेक्ट से एक इज़्ज़त ही लेके जाते, तो ले जाते हैं तो मुझे लगा कि मैं इज्जत लेके निकला हूँ अपनी वहाँ से पैसा yeah. तो आता है और बस चला जाता है सही बात है आप बस अपनी इज्जत कमाते हैं और मुझे लगा कि मुझे मुझे मेरी इज़्ज़त अफजाई हुई है मुझे मैंने जो काम किया वो मैंने उसको तमीज़ से किया जस्टिस करी अपने कैरेक्टर के साथ तो अलहमदिल्ला का शुक्र है और फितरत में फितरत में ये कि फितरत हाँ फितरत का थोड़ा कैरेक्टर जो है वो इतना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन वो भी एक मेरे करियर का मुझे लगता है कि कुछ ग्राफ है okay. मेरा मेरी एक्टिंग का कुछ ग्राफ है उसमें ऐसा नहीं है कि बस वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या फिर वो लेज़ी डम होना चाहिए ऐसा, ऐसा सिर्फ सोचना ठीक नहीं होता क्योंकि वो भी कर लिया ये भी करके देखूँगा तो कैसा अच्छा लगे क्योंकि इससे मैं कुछ और सीख रहा हूँ okay. अब फितरत के अरबाज़ से मैंने कुछ और सीखा मैंने कुछ और एक्सप्रेशन सीखे कुछ और मैंने फीलिंग्स uh, को अपने अंदर जनरेट किया सोच के करके या डायरेक्टर से डिस्कशन करके तो वो भी हर 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 चीज़ एक मुझे लगता है ग्राफ है ऊपर नीचे होते ही हैं हम हम कॉन्स्टेंट okay. वैसे भी नहीं रह सकते सही बात है। तो आगे भी मैं इसी तरह से देखूंगा कि मैं कुछ ऐसा कोशिश करूं कि पिछले काम से थोड़ा सा फर्क काम हो फिर उसके बाद फिर कुछ फर्क काम हो ज़रूरी नहीं कि हम हमारे या हम अपने पड़ोसी मुल्क में भी देखते हैं कि आमतौर पर हीरो को हीरोइज्म बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा होता है बट yeah. ज़रूरी नहीं है कैसा हो ज़रूरी नहीं है कि हर लड़का बहुत स्ट्रांग हो hmm. कुछ वीक भी होते हैं hmm. कुछ कमज़ोर भी उनकी कहानी कौन बताएगा अरबाज़ वाकई मोहब्बत करता है सबूर के कैरेक्टर से वो एक्चुअली करता है वो बहुत करता है उससे मोहब्बत क्योंकि उसने वो उस, वो या वो इन फैचुएशन है बस वो हालात ऐसे थे वो उसने उसको उसको दी दी बिकॉज ऑफ थोड़ी वीक एक लड़की ने तो वो उस उस वक्त जज्बात में आके उसने शादी उससे वो उसनेस हुआ उससे उसको फिर मोहब्बत भी होने लगी क्योंकि उसने उससे मोहब्बत करवाई भी जो फारिया कैरेक्टर होता है उसने उससे मोहब्बत करवाई उसका ख्याल रखा शुरू में तो उसको वो लगा कि शी इज़ द वन तो वो उससे मोहब्बत उसको हो गई प्रॉपर वो आ, उसके बाद ही उसने अपने घर वालों से मिलाया शादी की जल्दबाजी थी उसको तो आ, उसके बाद भी उससे वो बहुत सारी चीज़ें उसी तरह से एक्सपेक्ट करता था जिस तरह से उसने शादी से पहले फारिया ने अरबाज़ को दिखाई लेकिन वो उसके बाद उसका कैरेक्टर थोड़ा सा शेकी सा रहा और उसने फिर उस तरह से ना कर सकी लेकिन फिर भी उसको उम्मीदें हैं है। उम्मीदें हैं है? तो मोहब्बत है मोहब्बत थी तो उम्मीदें हैं तो उसको मोहब्बत रही है उसको लेकिन उसके मुझे अरबाज के कैरेक्टर्स को थोड़े लाइक अब जो चेंज आया है उसमें जो फारिया में भी चेंज आ रहा है जिस तरीके से वो डील कर रही है उसका इम्पेक्ट मुझे अरबाज पे आता हुआ लग नहीं रहा है लाइक इस काइंड ऑफ नाम इज़ नॉट रियलाइजिंग कि वो क्या कर रही है उसके साथ सो इज़ इट सपोज टू बी दैट वे जी हाँ उसको असल में वो इतना अरबाज को जो दिखाया है जो वो इतना मिच्योर नहीं है इज़ नॉट दैट मेच्योर तो उसके साथ होता ये है कि वो जब थोड़ी सी रियलाइजेशन में जाता है तो वो उसकी कोई अच्छी बात याद कर लेता है okay. तो वो कहता है कि यार वो भी तो देखो यही यही औरत तो थी लड़की yeah. जो थी वो ये भी तो कर दी थी yeah. अच्छा भी तो किया उसने मेरे साथ अच्छा यार शायद अभी कुछ उसका टाइम बुरा चल रहा होगा उसकी एक ये थाट्स रहती हैं फिर होता क्या है कि फिर कोई ना कोई फैमिली उसको कोई ना कोई समझें आप मैं अपनी

अच्छे खासे दलील हो जाएंगे उसके <laughs> बाद फिर सोचेंगे कि नहीं यार अब ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसमें आपको कोई मसला नहीं लगा था मसला के के है।, है तो मसला, hmm. है तो मसला. Hmm. लेकिन आ, इसके अंदर बस एक अच्छी बात ये है के वो वो वाला टाइम जिसमें वो फारिया और आ, फारिया इसकी इसकी वाइफ है उस उस पूरे टाइम में वो उसके उसके साथ नहीं okay. कुछ होगा हाँ वो उसके है. साथ कंपैरिजन में ज़रूर आएगा कि यार इसकी बहन तो ऐसी है हुँ. ये क्यों ऐसी नहीं है क्योंकि जब राफिया अरबाज को अरबाज का ख्याल करेगी तो वो एक्चुअली तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ़ारिया उसका ख़्याल करे लेकिन राफिया कर रही होती है उसकी बहन तो उसके कंपैरिजन में वो ज़रूर देखेगा लेकिन वो शादी से पहले उससे ना ऐसा कोई ऐसी अट्रैक्शन नहीं होगी कि फारिया ना सिर्फ़ आपके साथ बुरा कर रही है बड़े भाई पे भी दोबारा उसने करना शुरू कर दिया है विद इन एक घर में रहते हुए अभी जलन पे भी बहुत डिस्कशन हो रही थी इफ़ शिव लिया कि ये टॉपिक सही नहीं है बैन भी हो गया हो गया तो गिवन ऑल ऑफ दिस आपको लगा स्क्रिप्ट को आपको लेना <coughs> चाहिए था मतलब जलन में तो फिर भी उन्होंने दिखाया कि वो छोड़ देता है एंड सब कुछ इसमें तो वो एक ही घर में रहते हुए अपने एक्स हस्बैंड जो अब उसका जेट भी है उस पर बार बार फारिया जो है वो यू नो उसको इंटाइज करने की कोशिश कर रही है सो so, लग रहा था आपको कि स्क्रिप्ट में कुछ थोड़ा सा भी भी री थिंक करना चाहिए हाँ ये इसको इसको करना चाहिए था बिल्कुल मैं भी समझता हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आ, आ, हमारी सोसाइटी के लिए भी आ, अच्छी नहीं होती हैं क्यों किसी को आइडिया दें कि भी हो सकता है क्यों किसी को आप आइडिया दे दें दे रहे हैं लेकिन उसके अंदर ये इस बात पर ज़्यादा फोकस किया गया हमारी स्क्रिप्ट पे कि वो उसको ब्लैकमेल ज़्यादा कर रही होती है बेसिकली उसको उससे फारिया को मोहब्बत तो हो नहीं सकती किसी से yeah. ये उसका एक कैरेक्टर ट्रेट है उसको मोहब्बत नहीं होती है तो वो बस पैसे किससे मिल जाए okay. किसको कैसे ब्लैकमेल मटेरियल yeah. उसकी बहुत सोच है तो वो उस हिसाब से इस मेरे ख्याल में आ, कुछ चीज़ें आप जो कह रही हैं कुछ कुछ वैसा भी दिखाया होगा लेकिन आमतौर पर जो बेसिक जो है कंटेंट जो है, वो ये कि उसको वो वो बस बस ब्लैकमेल करती है और वो बस लालची एक लड़की है mm -hmm. तो उसी तरह से उसका फिर एंड uh, में भी वही होगा उसके साथ जितने भी आपने अब तक किए इज लाइक यू आर सो प्राउड मुझे लगता है कि uh, मेरा रवरिस में जो फैजी था वो करना मुश्किल काम था क्योंकि हम 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 समझते हैं कि कोई कैरेक्टर जो है वो आ, उसकी बहुत लाउड होगा कोई लाइंस होंगी कुछ फलाना होगा तो ही वो कैरेक्टर जो है ना मुश्किल होता है एक्चुअली जिसमें आप बहुत कम चीज़ें कर रहे होते हैं सटल तरीके से बहुत मुश्किल होता है क्यों लाइन्स जो होती हैं लाइन्स तो हम बोल लें कोई भी बोल सकता है लाइन्स तो तोता भी बोलता है ना उसको आप याद करा दो तो वो भी पढ़ 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 लेकिन लाइन्स तो कोई भी बोल लेगा लेकिन हुँ. जो लाइन के बाद जो आपने एक्सप्रेशन देना होता है ना या लाइन yeah. से पहले जो एक्सप्रेशन देना होता है या ड्यूरिंग दैट जो आप पॉज ले रहे होते है, हैं दैट्स एक्टिंग मुझे आई फील लाइक तो उसके अंदर फैजी तो था ही इसी तरह का उसकी सिर्फ फील फील थी डायलॉग्स तो कम ही थे डायलॉग्स कम थे उसकी सिर्फ फील थी और वो अगर फील कहीं ना कहीं आ, मुझे ऐसा अब लगता है कि कहीं ना कहीं वो और बेहतर हो सकता था लेकिन उसको लोगों ने पसंद किया तो मुझे लगता है कि आ, अचीव अचीव किया मैंने कुछ तो अचीव किया कहीं भी किसी भी। बार को जाके कि अचीव किया तो आ, और उसके बाद मुझे 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 पसंद जो आया वो मुझे लगा कि मलाले यार का जो मलिक बलाज था मैं बहुत नर्वस था बहुत कंफ्यूज था वो करने करते वक्त करने से पहले भी मुझे समझ में नहीं आता था कि इसको कैसे शुरुआत कहाँ से करूँ ये ये खड़ा मतलब वो हर चीज को मैंने सोच के सोचा उसको बना बनाने के लिए कि वो खड़ा कैसे होता होगा वो उसकी आँखें आँखें कितनी खुलती हैं कितनी कम खुलती होंगी उसका लहजा उसका बात करने का अंदाज़ कि, किस पिच पे बात करता होगा तो वो मुश्किल था Okay. वो उसको बनाना भी मुश्किल था उसको करना भी फिर मुश्किल था मगर वो भी लोगों ने लगा शुक्र है पसंद किया मैं बहुत कन्फ्यूज़ mm. था मुझे लगा कि यार पता नहीं मैं बहुत डर रहा था कि yeah. ऐसा ना हो कि लोगों को बुरा लगे mm. लोगों किसी की कोई मुझे ये भी था कि लड़की को उठा के लेके जा रहा yeah. है शादी कर रहा है अब उसकी वो मुझे मुझे बहुत डर था इस बात का कि लोगों को ये बुरा ना लगे कि यार ये इस तरह का कोई कैरेक्टर इसको हमने शो क्यों किया इसने क्यों किया ये इस तरह की कोई बात कोई हरकत बट पता नहीं मैं कह रहा हूँ अल्लाह का कोई हाथ है अल्लाह का मुझ पर बहुत मेहरबानी है कि अल्लाह ने उसके अंदर भी लोगों के दिलों में मेरा हीरोज़्म डाल दिया हालांकि अब आप उसको नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात करें कि किसी ने ऐसा किया तो आप कहेंगे यार क्या ये तो जेल वो, वो, वो तो हमें हमें तो एज हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे और जैन मुझे बता रहे थे कि आप लोग बहुत क्रिटिकल हैं <laughs> वो तो हमें तो इशू है कि हम एक इंसान ने यह हमारे ऐसे ले यानी बहुत से ड्रामों में यही होता है कि वो हम दिखाते हैं कि वो लड़की को ज़बरदस्ती अगवा किया ज़बरदस्ती कुछ कर दिया अब ये गलत एक्टर है राइट और फिर हम उसी कैरेक्टर से ऑडियंस को मोहब्बत करवा देते हैं कि बालाज के साथ भी तो यही हुआ ना वो अजिका के करेक्टर का मुझे नाम याद नहीं आया नामिया हूरिया फॉल्स इन लव विद हिम अट आफ्टर मैरिज वो शी गिवज एन एंड एवेंचुअली स्लोली स्लोली बट जिस तरीके से बलाज उसको पकड़ के ला के उसके निकाह किया था दैट वॉज नॉट राइट तो ये तो इशू मुझे तो है आई फील किया कोई और कर देते ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज hmm. हम hmm. एक गलत इंसान की एक hmm. को एक प्रमोट कर रहे हैं uh, लेकिन बलाज की जो लुक थी वो आपने खुद क्रिएट की थी या आप डायरेक्टर के साथ बैठ के बात हुई? को उमर सईद okay. के साथ हमेशा बहुत मैं बचपन से उनको जानता हूँ उनके साथ मैंने काम भी किया है सब कुछ तो उन्होंने वो, वो उसको, आ, कपड़े, कपड़े सारे जो इतने मेरे बॉड्रोप था वो उन्होंने डिजाइन किया और मुझ का मुझ करने का वो आइडिया वो ही था मेरा भी था प्रोडक्शन हाउस का भी था हमारे असर भाई जो हैं उनका भी था तो वो मगर जो पूरा टायर जो बना पूरा जो लुक जो बना उसका मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ उमर को वो जो दस गज की जो शलवार सिर्फ उमर सगीदी ही सी सकते थे उसको इतनी खूबसूरती के साथ तो वो उसको बनने में भी बहुत टाइम लगता था और उन्होंने उसको आ, उसकी जिम्मेदारी भी ली हमारे okay. और उसके वार्डरोब की तारीफ भी बहुत हुई हर जगह पे तो आई थिंक वार्डरोब जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था उस सब के लिए तो उसको पूरे लुक को बनाने के लिए वरना मैं अगर मैं अगर कुछ और पहना होता और मैं बोल कुछ और रहा होता तो बहुत फर्क हो जाता तो मैं उसको क्योंकि मैं एट्टी तो मैं वॉर्ड्रॉप देता हूँ तो वो उम्र को जाता है ओके डू यू फील इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है

या कोई भी हमारी गवर्नमेंट जॉब्स ऐसी होती है ना कि आप जब आ, वो उ, उनके पास एक राइट right होता है कि अपनी औलाद को भी कोई वहाँ पे सीट देंगे दिलवा सकते हैं तो व्हाई नॉट इन दिस इंडस्ट्री हम इसको मैं मैं तो बिल्कुल इसको फजूल बात समझता हूँ कि इस पर क्यों बात की जा रही है आ, भाई मतलब अगर जावेद शेख साहब का ऐसा नहीं होगा मे बी मैं म, म, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि मैं इंडिया की एग्ज़ाम्पल नहीं दे पा रहा हूँ या दे सकता हूँ तो जावेद शेखर साहब अपने बेटे को ही करेंगे ना या न पड़ोसी के बेटे को करेंगे hmm. अगर उनके बेटे के अंदर इंटरेस्ट है एक्टिंग का तो वाई नॉट हिम okay. तो मेरी मेरी नहीं समझ में आता hmm. और फिर और फिर देखें ये भी बात होती है कि जो इस इंडस्ट्री में ही लोग होते हैं उनकी जो औलादें होती हैं वो ज़्यादा ग्रूम भी होती हैं उनको ज़्यादा समझ भी होती है उनको इंटरेस्ट भी मेरे ख़्याल में बहुत होता है हाँ बस रास्ते आसान तो फैमिली की वजह से होते ही है ना क्यों hmm. नहीं होंगे hmm. yeah. I don't mind, I don't mind. हाँ मुझे उछाल रहे हैं इस बात को okay. पड़ोसी मुल्क में भी मैं <laughs> इतना बेचारे क्या यार मतलब yeah. कपूर फैमिली में से कपूर के बच्चे नहीं आएंगे कपूर साहब के बच्चे नहीं आएंगे तो फिर किसके बच्चे आएंगे और फिर जो आ रहे हैं वो अपने को उस तरह जस्टिफाई करके दिखा दें किसने जस्टिफाई कर दिया okay. इतनी फिल्में आती हैं नए नए yeah. लोगों की फिल्में आ रही होती हैं फिर इतनी मूवीज आप देख रहे होते हैं लेकिन yeah. किस कितने लोग हैं जो जस्टिफाई कर रहे हैं yeah. हाँ कुछ हैं वहाँ पे मुझे एक्टर्स पसंद भी है नवाजुद्दीन साहब मुझे बहुत पसंद है मुझे पंकज त्रिपाठी बहुत पसंद है yeah. बट ये तो बहुत कम लोग हैं yeah. और जो आ रहे हैं जो उनके साथ भी अगर कोई काम कर रहा है जो निपोटिज्म से आया उनके साथ भी कोई नया लड़का भी काम कर रहा है तो निपोटिज्म वाला लड़का ही आप कोई भी फिल्म उठा लें तो वही बेहतर काम करता हुआ देखेगा ना आपको बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ़ दिया जैन ने आज uh, मैंने दैट्स गुड टू सी यू यंगर टन ईयर्स ओल्ड आज से दस साल पहले तो उसको क्या एडवाइस देंगे आप लंडन से वापस नहीं आना चाहता <laughs> <Seriously? laughs> <doing so> well. <laughs> पर ड्रामा कर रहे हैं और आप <laughs> मुझे, मैं मिस मुझे याद आता है. <laughs> मुझे वो अपनी जगह मुझे मैं, मैं बिल्कुल नहीं आना चाहता था लेकिन <laughs> बस सरकमस्टांसिस uh, ऐसे थे, थे कि यू हैड टू कम आ गया बस तो वापस जाने का प्लान है गया हूं कई दफा oh. गया हूं okay. हो के आ जाता हूं वापस ओके oh, okay. <laughs> चक्कर लगा okay. के आ जाता हूं ओके okay. okay. ये होता okay. है ठीक है जी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम

नहीं थैंक यू सो मच एंड इट वाज लवली टॉकिंग विद यू एंड आपने टाइम निकाला आई नो कि आपका आप बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा था एंड आपने काफी हमें अच्छा खासा टाइम दिया सो रियली एप्रिशिएटेड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड बेस्ट ऑफ लक विद ऑल योर प्रोजेक्ट एंड वी होप टू सी यू वेरी सून अगेन इन अ नॉट नॉट इन अ सोप हां इंशाल्लाह नहीं ठीक है मैं मैं कंसीडर करूंगी इस बात को बट मुझे मैंने जैसे बताया कि नथिंग अगेंस्ट द सोप्स बाय द वे मैं भी अपनी रेपुट हाँ. अपनी डिप्लोमेटिक <laughs> रिलेशन सही कर लूं इंडस्ट्री वालों से नथिंग अगेंस्ट द सोप आई जस्ट आई आई हैव सीन रब वायरस एंड आई हैव सीन योर दिल क्या करे एंड एक और भी है जो मुझे इसका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा नूर के साथ थे आप उसमें मीरा ब्रू मीरा ब्रू यू नो रियली गुड प्लेस यू हैव सो वो भी मुझे रोल बहुत पसंद था साइम का साइम एग्जैक्टली साइम का वो बहुत फुलजावा सा सा लड़का था फैमिली का वो भी करना मुश्किल था वैसे क्योंकि हमारे जो असल में लोग समझते नहीं है इस बात को इसे समझते भी होंगे बहुत सारे लोग जो चीज़ें सीधी होती हैं जो सटल होती हैं वो ज़्यादा मुश्किल होती हैं yeah. करनी वजह yeah. से कि आपने कोई ब्लाउड कैरेक्टर करना है yeah. वो एक दफ़ा आपने उसकी ग्रिप पकड़नी है वो हो जाता है लेकिन हर दफ़ा अलग अंदाज से बोलना yeah. मैं हूँ ना इट वेरी डिफिकल्ट कितने तरीकों से बोल सकते हैं आप जरा बोल के निकलो दो वैरायटी तो देते हैं हमें उसी वक़्त उसी वक़्त निकलता है कुछ उसी वक़्त निकलता है उसी वक़्त कुछ निकलता है कि क्या किसके साथ आपका रिलेशन कैसा है uh, क्या रिश्ता है उसके साथ

Hmm. तो वो भी एक कंटिन्यूशन हो गई थी जैसे मैंने सम्मी किया था सम्मी hmm. के अंदर भी ऐसा हुआ उसके बाद मीराबरू में ऐसा हुआ yes. था फिर hmm. एक आशा कुछ और था जिसमें एंड में कुछ दिल क्या करे या yeah, दिल क्या करे मैं तो पहले ही हो गया था। हाँ, हाँ, हाँ।, हाँ हाँ तो वो उसके बाद फिर अच्छा मम्मी ने भी मुझे कहा कि जी जैन देख ये नहीं करना hmm. अब ऐसा रोल नहीं उठाओ जिसके अंदर अब तुम मरने लगे हो तो क्योंकि उनको शायद अपनी तरफ से बैड फीलिंग होती होगी क्योंकि दिल क्या करे मैं तो वो खुद बहुत दाड़े मार मार के रोई थी फिर मैं जब घर आया तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया जिस दिन वो एपिसोड चला था जिसमें मरता हूँ वो वैसे बहुत ट्रैजिक था

इतना डिटेल शूट किया उन्होंने इस तरह से जिस तरह से वो मुझे एक्सप्लेन करती थी करती थी कोई भी कोई भी सीन या कोई छोटा सा भी मोटाज भी तो वो इतना फिर आ, एक्टर की ना आधी मेहनत खत्म हो जाती है yeah. उसको इतने सारे जब दूसरा विजन इतना स्ट्रांग और इतना बेहतर क्लियर मिल रहा होता है तो उस इस, ऐसे इस, ऐसे काम करने में भी बहुत ज़्यादा मजा आता है फिर उसके अंदर कुछ अपना भी इनपुट होता है कुछ उनका इनपुट होता है फिर कुछ mm. फिर डी हम समझते हैं कि डी ओ पी क्या कभी हम नाम ही नहीं लेते बताए डी ओ पी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट गाय ऑन ऑन द सेट वो कैसे शूट कर रहे हैं आपको वो कैसी लाइट किस मूड के साथ कौन सी लाइट hmm. जाएगी hmm. वो हम कभी आप मैं तो चाहूंगा कि आप किसी अच्छे डी को भी बुला के आप बिल्कुल ये करें क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट जॉब है ये हम ड्रामा या मूवी या फिल्म बनाने के लिए वेब सीरीज जो भी अब बन रही है तो हम उसको कंसिडर ही नहीं करते कि कोई ऐसा भी बंदा है सही बात है नहीं आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया मैं नेक्स्ट अप किसी डी ओ पी को इन्वाइट कर रही हूँ हाँ, जरूर जरूर, करे, जरूर मैं तो चाह रही हूँ कि जो लोग बिहाइंड द कैमरा होते हैं जिनका नाम हम नहीं लेते हैं हम रिव्यूज़ में भी हमारा जो यूट्यूब परिव्यू जाता है हम डू मैंशन मेकअप अगर अच्छा है सेट पे आर्ट डायरेक्शन जो है वो अच्छी है या में लाइटिंग वी नाउ अप्रिशिएट ऑल ऑफ दिस मुझे इसलिए भी याद आए क्योंकि जैसा आपने अभी बात की की hmm. तो वो डीओपी का भी बहुत कमाल था उसके अंदर hmm. वो किस तरह से कंटिन्यूटी को मैच करना है hmm. कौन से किस तरह से ग्राफ को लेकर जाना है किस तरह की लाइटिंग करनी है उसको uh, जो फ्रेमिंग करनी है yeah. किधर क्या होना चाहिए क्या नहीं hmm. कितनी लाइट होनी चाहिए तो वो उस वो अगर आपको वाइट चिट्टी लाइट दिखा दे yeah.

तो so, uh, so, अगली बार जब मैं मैसेज करूंगी तो फिर आप जल्दी आ जाएंगे ज़रूर, <laughs> बिल्कुल जल्दी आ जाऊंगा तो सोचा शायद इस इंटरव्यू के बाद मुझे दो साल तीन आना पड़े लेकिन उनको क्या पता हम छह महीने बाद फिर बेटा क्या अब आ, आ, आपका नेक्स्ट ड्रामा आने वाला <laughs> हाँ, है विच इज अग ड्रामा सो तब हम सिर्फ कैरेक्टर की बात करेंगे आज एक्चुअली तो, आज हमने आपको आसान छोड़ा है बहुत वो आप उस दिन आएंगे <laughs> <laughs> मेरे मेरे खुद दिमाग में कुछ सवाल आते हैं वो मैं नहीं 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 आई एम जस्ट आई एम जस्ट जोकिंग लेकिन जब इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा तो फिर हम उसको यू नो वी विल टॉक अबाउट द द कैरेक्टर इटसेल्फ और बिल्कुल गपशप लगेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह